Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो देख सकते हैं गाइस, अभी हूँ मैं हिंडर रिवर जो कि गाज़ियाबाद में है। और ये देखिए एलिवेटेड जा रहा है, और वो आप उधर देखेंगे तो वो रेलवे लाइन है। ये देख सकते हैं, ये रेलवे लाइन है हिंडन का, और ये शमशान घाट है। ये शमशान घाट है, देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बनाया जा रहा है फ्लाईओवर, जो ब्रिज बनाया जा रहा है, देख सकते हैं। और ये देखिए गायों को कितनी गर्मी लग रही है कि ये पानी में खड़ी हुई हैं, इतनी ज़्यादा अभी गर्मी पड़ रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। पहले इनके पिलर बनाए गए, फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है, और अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें गाइस, ये फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये सेटरिंग लगाई जाती है, ये देखो ये सेटरिंग लगी हुई है पूरे में। इस तरीके से ये मिस्त्री काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं तस्वीर है। और मैं अभी आगे चल के दिखाता हूँ आपको कि पानी का कटाव कितना है, और इसमें मछली भी है, मछलियाँ भी हैं गाइस, ठीक है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, आपको दिखाते कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ गाइस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस पर ये कि देखो ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, ये देख सकते हैं तस्वीरें। क्योंकि इसके नीचे जाना सही नहीं है, क्योंकि तस्वीरें दिखाते हैं आपको पूरी, ठीक है भाई। तो देख सकते हैं कि पानी का बहाव यहाँ कितना तेज है, क्योंकि बस इन्होंने ये रोक दिया गया है। ये देखो इसे बोलते हैं हिंडन रिवर, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और पानी का बहाव देख सकते हैं कि कितना तेज़ है यहाँ पे। ये देख सकते हैं तस्वीरें, देखो कितना तेज़ है पानी का बहाव। और यहाँ पर ये फ्लोरिंग, इस पर तो फ्लोरिंग कर दिया गया है गाइस, इधर फ्लोरिंग कर दिया गया है, इधर बाकी बचा है। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कि किस तरीके से ये ब्रिज बनाया जा रहा है इस हिंडन रिवर पे। क्योंकि अभी ये जो बनाया गया था नया, ये वाला बनाया गया तो इस पर ही सारा बोझ है, क्योंकि सारे वाहन इस पर ही निकलते हैं अभी। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जाम भी रहता है गाइस, इस जाम रहने की वजह से ही, क्योंकि पहले ये पुराना था और पुराना ये क्रैक हो गया, तो इस वजह से ये नया बनाया जा रहा है। अब तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, इसके नीचे चल के देखते हैं कहीं कुछ गिरा गुरु ना दें। या ये ऊपर देख सकते हैं, ये सेटरिंग लगाई जा रही है, और इस पर आप फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, फ्लोरिंग हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये सारे, ये सेटरिंग का ही सामान है, ये लोहा, इतना जो लोहा आप लोगों को चमक रहा है वो सेटरिंग का ही है गाइस। तो ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा जल्दी, ठीक है। और फिर इसमें जो हम जैसे गाज़ियाबाद से और दिल्ली की साइड में जा रहे हैं ना, तो वो इसके लिए बनाया जा रहा है कि वहाँ पर, आपको मैंने अभी दिखाया था कि वहाँ पर ये लगा रखा है ब्रेकर,
तो कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है यहाँ का ब्रिज हिंडन रिवर का। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखो केपी संत के चैनल पर, ऐसे ही ब्लॉग्स मैं लाता रहता हूँ आप लोगों को इंटरटेन, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ गाइस। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस पर चढ़ के दिखाऊँ एक बार आप लोगों को, कोशिश मैं करूँगा। तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इस पर कितना टाइम लगेगा बनने में भी, ठीक है गाइस। अभी पूछते हैं मिस्त्री से। इसे बनने में कितना टाइम लग जाएगा अभी? तुम यार दिन रात काम करते, तुम्हें यही नहीं पता है? अच्छा, तभी मतलब कि 4-5 महीने लग जाएंगे, इतना तो लग जाएगा यार, हैं? अच्छा, तो आप लोग कहीं यहीं आसपास में रहते हो क्या? अच्छा, तो यहाँ तुम्हारी परमानेंट ड्यूटी है, चलो बढ़िया है। तो अभी इसमें करीब अभी 3-4 महीने का टाइम इसमें लग जाएगा भाई गाइस इसको कंप्लीट होने में, देख सकते हैं इधर सब कुछ। अब वो शमशान घाट है उधर का, तो चलिए मैं उधर का भी दिखा देता हूँ आपको। पहले मैंने इधर का ही दिखाया था, एक बार इधर का भी आपको क्लियर कर देता हूँ तभी आपको पता है। देखो ये कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, ये देख सकते हैं इधर भी, ये देखो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया इधर का, बस एक ही ये पोर्शन बचा है, देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है ये। तो ये दोनों फ्लोरों की इनमें मतलब कि फ्लोरिंग हो चुका है, अब इनकी ये साइड वॉल्व का काम चल रहा है, देख सकते हैं ये साइड वॉल्व पे, इसमें भी कंक्रीट भरा जाना है। ये देखिए, देखो उस पर वो लग गई है सेटरिंग, उसे भरने के लिए इसकी साइड वॉल को, और इसकी साइड वॉल भरने के बाद में फिर इस पर कंक्रीट किया जाएगा गाइस, कंक्रीट की मदद से ये भर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, नज़ारे देख सकते हैं ये हैं। तो चलिए, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा गाइस। ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ गाइस। तो चलो आप ऊपर चलते हैं और ऊपर एक बार और दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको दोस्तों। आपको बता दूं, देखो ये भार भार का ये ढांचा है ना, ये गोल गोल इसको ये बिठाया जाता है नीचे, और फिर उसके बाद में ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है, फिर उसके बाद में अंदर ये पिलर बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बन रहे हैं सारे के सारे, देख सकते हैं वो, और ये चला जाता है वैशाली बसुंधरा के लिए ये वाला फ्लाईओवर, ठीक है, और ये सीधा चला जाएगा मोहन नगर के लिए ये। तो अभी थोड़ा सा सिंगल है इस वजह से ये बनाया जा रहा है, क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लग गया, बहुत सारा टाइम लग चुका है इस पर। तो ये नज़ारे हैं गाइस, देख सकते हैं, और लोहा कितना मजबूत होता है, देखो ये डाले जाते हैं ये वाले, ये देखो ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है ये तार, और देखो ये कैसे लप रहा है, ये देखो, और ये नहीं लप सकता, ये बिल्कुल ठोस है एकदम, ये देखो। अब इस पर यह साइड वॉल का काम किया जाना है, इधर ये कम्प्लीट होगा अभी, क्योंकि अभी इधर बनना बाकी है, ये वाला पोर्शन बनेगा, देखिए वो इन्होंने बना दिया गया, उस पर रखा जाएगा, फिर इसका बॉल बनाया जाएगा। तो हम चलते हैं इसके ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं कि कितना कुछ काम हो चुका है गाइस। तो चलिए ऊपर चलते हैं और चढ़ते हैं इस पर, इन पर चढ़ते हैं पैर रख के, फिर आपको दिखाते हैं। ये है पूरा नज़ारा, इस तरीके से ये बनाया जा रहा है, इधर ये वाहन चल रहे हैं, देखो ये चल रहे हैं। अब ये सिंगल ही रूट है, अब ये डबल रूट हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये डिवाइडर कर रखा है ना, यहाँ पर इधर मुड़ जाते हैं, जब सीधे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये एकदम से। तो ये है नज़ारा, देख सकते हैं इस पर 3 की फ्लोरिंग कर दी गई है, 1, 2 और 3 वो लास्ट में है, अब बीच के 2 बचे हैं, तो उन पर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
तो ऐसे ही ब्लॉग्स देख रहे हो, देखते रहो के पी संत के चैनल पर गाइस, लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं इस पर अभी साइड वॉल की, इस पर कंक्रीट भी, कंक्रीट की मदद से ये भरे जाएंगे साइड वॉल, देख सकते हैं। फिर इस पर ब्लैक टॉप होगा, ब्लैक टॉप हो जाने के बाद में ये चालू हो जाएगा, क्योंकि ये पुरानी जगह पर ही बना है, ठीक है। इसके ये देखिए ये ढांचा है लोहे का, ये लाया जाता है। तो चलिए आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से, तब तक एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोज़ को। तो चलिए बस बाय बाय।